जो हमारे पास इस तरह के सेंटेंसेस हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मिस्टर एक्स वाई जेड, आप अपने टीचर का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, टीचेस अस ग्रामर, मिस्टर एक्स वाई जेड टीचेस अस ग्रामर। मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ, अकरम, मिस्टर अकरम टीचेस अस ग्रामर। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप लिखे, मैं इसको चेंज करता हूँ, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय मिस्टर, आप अपने टीचर का नाम लिखे, मिस्टर अकरम। और जो दूसरा तरीका है वो है वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर अकरम। आप इस तरह इन दोनों को लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं हम एक और जुमला ट्राई करते हैं, जब इसमें दो ऑब्जेक्ट हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तो हम एक और जुमला बनाते हैं, ही गेव हर, अ रिंग, ही गेव हर अ रिंग। अब जब हम इसको चेंज करें तो ये बनेगा अ रिंग। टेंसेस का आपने ख्याल रखना है, जो टेंस हो उसी के मुताबिक इसको चेंज करेंगे, ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। तो रिंग वाज गिवन टू हर बाय हिम, भी आप लिख सकते हैं इसमें, ऑप्शनल ऑप्शनली अगर आप इसमें लिखना चाहें। अच्छा, दूसरा आप क्या क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं शी वाज गिवन अ रिंग ऑफ कोर्स बाय हिम, वो ऑप्शनल है, आप ना भी लगाए आपका जुमला सेंटेंस सही है। अब हम एक और ट्राई करते हैं, द टिकट कलेक्टर विल गिव यू टिकट। मैं इसको टीसी लिखूंगा पैसे वर्ष में। अब इसको चेंज करते हैं। सबसे जो पहला इसका होगा अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय टिकट कलेक्टर। इसी तरह यू विल बी यू विल बी गिवन टिकट कोर्स बाय टीसी। अच्छा, ये तो हो गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो तो हम उनको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई सवालिया क्वेश्चन हो, जैसे मैं यहाँ पर एक जुमला लिखूँ, ओ टॉट यू इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क। अब इसको जब हम चेंज करते हैं, इसके पहला तरीका तो ये है, बाय होम वाज इंग्लिश, बाय होम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। जो दूसरा तरीका है, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, और जो थर्ड है,
वो है हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय। अब हम एक और जुमला लिखते हैं, हु अरेस्टेड अली। जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये बनेगा बाय हुम वाज अली अरेस्टेड और क्वेश्चन मार्क। और जो दूसरा बनेगा हु वाज अली अरेस्टेड बाय, ये हम इसमें नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो इस तरह आप इस तरह के जुमलों को चेंज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में।